जिस टॉपिक को मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं, जो कि एक नया स्टार्टअप आइडिया है, वो ये है कि कैसे अपनी खुद की बेवरेज कंपनी या बेवरेज स्टार्टअप शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है, गौरव दलहिरव मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मतलब एक पेप्सी की तरीके से या कोक की तरीके से कंपनी शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। मेरा नाम है गौरव और मेरा मोबाइल नंबर है 9906942300। व्हाट्सएप नंबर है ये और मेरी ईमेल आईडी यहाँ दी हुई है, आप पॉज करके वो सब सारी चीजें देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से लोगों का चैन बढ़ता जा रहा है अपने खाने पीने की चीजों को लेके, उसमें से एक ब्रांड जो निकल के आया वो है चायोस। चायोस चाय डब्बों में भी देने लगा है और ये फर्स्ट कैटल फ्री सेवा है। और देखे जाए तो अगर आप लिक्विड को इस तरीके से ले जा सकते हैं और कहीं भी पी सकते हैं तो इससे ज्यादा बेहतर चीज आपके लिए हो ही नहीं सकती। तो ये पूरा कंटेंट किन लोगों के लिए मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में ना छोड़ दें। अगर आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, अपना खुद का एक बेवरेज ब्रांड बनाना चाहते हैं, बेवरेज कंपनी खोलना चाहते हैं, बेवरेज की दुनिया में अपने आप को शहंशाह बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो के एंड में एक दो केस स्टडीज भी है जो आपको मदद करेंगे किस तरीके से पुराने बेवरेज मेकर्स ने अपनी एक साख बनाई, किस तरीके से उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, किस तरीके से उन्होंने अपने ब्रांड को नंबर वन की पोजिशन पर ले गए और वो माउंट एवरेस्ट की तरीके से अब नंबर वन की पोजीशन पे हैं। तो आइए जानते हैं पूरा कंटेंट किन लोगों के लिए। बेवरेज स्टार्टअप एंथुजियास्ट को, ऐसा बंदा जिसको बेवरेज स्टार्टअप के प्रति बहुत लगाव है और वो शुरू करना चाहता है अपना बिजनेस। बेवरेज सेल्स इनोवेटर, मतलब बेवरेज की सेल्स में इनोवेट करना चाहता है और बेवरेज की सेल्स को बढ़ाना चाहता है और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता। तो बेवरेज आइडिया एंटरप्रेन्योर, जिसके दिमाग में बेवरेज के आइडियाज है और वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। बेवरेज आइडिया ओरिजिनेटर, कोई नया आइडिया लेके आना चाहता है बेवरेज की दुनिया का और साथ में से मिक्स करना चाहता है आइडिया के साथ। बेवरेज ऑनर्स, कोई बेवरेज ऑनर्स है और उनका ब्रांड नहीं चल रहा है और वो अपने ब्रांड को चलाना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा कंटेंट भी है जो आपको अपनी सेल्स को बढ़ाने में मदद देगा। बेवरेज क्रिएटर्स, जितने भी बेवरेज क्रिएटर्स हैं वो सारे, बेवरेज इनोवेटर, बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर जो अपने ब्रांड को आगे ले जाना चाहते हैं, बेवरेज कंट्रोलर, बेवरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी लोग हैं वो बेवरेज रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं और वो बेवरेज की इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हैं, बेवरेज अटेंडेंट, बेवरेज असिस्टेंट, बेवरेज मैनेजर, बेवरेज परचेजर। तो इन सब के लिए पूरा कंटेंट है। और पहली जो चीज आपके लिए लेके आया हूं वो ये है कि मार्केट ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी बेवरेज की मार्केट में कितनी है। इंडिया जो है वो एक बहुत ज्यादा तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में और 1.25 बिलियन कंज्यूमर्स हैं बेवरेज के इंडिया में अभी तक। इंडिया मार्केट 2019 तक जो मार्केट साइज है वो फोरकास्टेड है 46 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी आराम से। मतलब ये मान के चलिए कोई 30-32 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस तो अभी भी चल रहा है और उसमें बड़े मेजर ब्रांड्स हैं और अगर आप शुरू करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मार्केट साइज ऑफ पैकेज्ड और जितने भी ऑर्गेनिक बेवरेज है, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, मतलब लिक्विड से रिलेटेड, उसका जो अभी तक मार्केट साइज है वो 1 बिलियन रुपीज तक रह चुका है इंडियन रुपीज तक। और जो टोटल कंजम्पशन है बेवरेज सेगमेंट की वो एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज कर जाएगी 369 बिलियन डॉलर्स से तकरीबन 1.142 ट्रिलियन तक 2025 तक। और इंडिया में जो बेवरेज मार्केट है वो 3.5 टाइम्स बढ़ने वाली है प्रेजेंट साइज से। देखिए कितनी तेज ग्रोथ हो रही है, कितनी अच्छी ग्रोथ है। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी और सेगमेंटेड ग्रोथ है और आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यही राइट टाइम है बेवरेज बिजनेस में अगर आप कूदना चाहते हैं। दोस्तों लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है और उस प्यास के लिए आप उसका सही इलाज कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उस प्यास को बुझाने वाले बेवरेज से रिलेटेड, आप अपना खुद का एक अच्छा बेवरेज ब्रांड उतार सकते हैं। अगर आप बेवरेज के बिजनेस में हैं तो आपको क्या क्या लाइसेंस और क्या क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी आइए जान लेते हैं। सबसे पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जरूर खोल लें, ज्यादा समय ना लगाएं और अपने ब्रांड को शुरुआत से मेंटेन करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही चलें। जीएसटी नंबर जरूर लें, लिक्वर लाइसेंस लें अगर आप लिक्वर या अल्कोहल प्रोडक्ट के थ्रू जाना चाह रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, और अगर आप उसे नहीं करना चाह रहे तो ये लाइसेंस हटा दें। FSSAI लाइसेंस तो मस्ट है बेवरेज ब्रांड के लिए, अगर ये नहीं लिया फूड लाइसेंस और बेवरेज लाइसेंस तो आपका बिजनेस बेकार है। NPOP लाइसेंस उनके लिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेस्ड बेवरेज प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस अगर आप बेवरेज को एक रेस्टोरेंट और लाउंज के तौर पर वहां सर्व करते हैं तो ये आपके लिए है।
शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन तो सबके लिए है बेवरेज ब्रांड में, तो अगर आप करते हैं तो ये जरूरी है। फैक्ट्री सेटअप का फैक्ट्री लाइसेंस, फायर सेफ्टी लाइसेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अपने खुद के बेवरेज ब्रांड के लिए, ईटिंग हाउस लाइसेंस होना चाहिए अगर आप सर्व कर रहे हैं और लोग वहाँ पे ईटिंग या ड्रिंकिंग कर रहे हैं बेवरेज का, तो ये लाइसेंस होना जरूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना जरूरी है, सिग्नेस साइंस होना चाहिए और लाइसेंस होना जरूरी है। ISO 9001 में ले सकते हैं आप, और अगर कोई और लाइसेंस लगता है तो वो, तो ये सारे लाइसेंस की जरूरत है, इनमें से कुछ जरूरी थे और कुछ नहीं थे, और जिनमें जो जरूरी था आप मुझसे पूछ सकते हैं मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। तो दोस्तों प्यास बड़ी चीज होती है, और प्यास जो होती है वो हर जगह अवेलेबल होती है क्योंकि लोग हर जगह है। अब जब लोग हर जगह है तो प्यास है, और प्यास है तो लोगों का बजट है, और लोगों का बजट है तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है और व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस लॉन्च करें और उस तरीके से काम करें। बेवरेज इंडस्ट्री जो होती है वो किस सेगमेंट में डील करें मैं बता देता हूँ। जूसेस नंबर वन पे आने लगेंगे क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। सॉफ्ट ड्रिंक नंबर टू पे आती है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा होता है। हेल्थ ड्रिंक्स तीसरे नंबर पे आने लगे हैं क्योंकि लोग आजकल बहुत ज्यादा सचेत हो गए अपनी जितनी भी त्वचा है, अपनी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजों को लेके। मिनरल वाटर जो है वो चौथे नंबर पे क्योंकि लोगों की प्यास तो बहुत बड़ी है दोस्तों, क्या बोल सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स का भी जमाना है दोस्तों और बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है इसकी। फ्रिजी ड्रिंक्स आप जान सकते हैं, एप्पी फिज और बाकी सारी चीजों को कौन बोल सकता है। टी और कॉफी का तो जमाना पागल है, अगर देखा जाए तो नंबर वन पे आते हैं ये प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा बिकते हैं। स्पार्कलिंग वाटर्स और विटामिन वाटर्स भी बहुत ज्यादा नंबर वन पे हैं, और एक्वाफीना वगैरह के ब्रांड आगे अच्छे चल रहे हैं, और अल्कोहलिक बेवरेजेस की तो बात ही क्या है, बियर्स वगैरह और सारी चीजें। अब आइए बात करते हैं कि अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत स्टार्टिंग से शुरू करना होगा, और आपके पास क्या ऐसे स्टेप्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपना बेवरेज ब्रांड बना सकते हैं। तो पहला होगा बिजनेस प्लान, पूरा बिजनेस प्लान बना ले कि मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, क्या मेरी दुकान होगी, क्या मेरी फैक्ट्री की जगह होगी, किस तरीके से रॉ मटेरियल खरीदूंगा, कहाँ से मार्केटिंग करूंगा, सब कुछ बिजनेस प्लान में आता है। अगर मैं बोलूँ ये सारी नीचे की जितनी भी बातें मार्केटिंग प्लान वगैरह वगैरह ये सारी बिजनेस प्लान में आती है, तो पहले बिजनेस प्लान जरूर बना ले, इतना मेरे पास फंड्स है, इतने खर्चे होंगे, इतने साल तक मैं चला सकता हूँ, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, क्या क्या मार्केटिंग के तरीके यूज करूंगा, लिमिटेड फंड्स हैं तो किस तरीके से यूज करने हैं, सारी चीजें मार्केटिंग प्लान जरूर बनाएं। और आजकल जो सबसे बढ़िया मार्केटिंग प्लान होता ना वो होता है ऑनलाइन मार्केटिंग प्लान। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल्स का प्लान कि आप रॉ मटेरियल्स किस तरीके से लेने वाले हो, जिस तरीके का आप मेन्यू बनाओगे अपना खुद का उस तरीके के रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे। अब सत्तू का जूस बनाने के लिए तो सत्तू ही चाहिए होगा ना, नीम का तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। अगर आप नीम का इस्तेमाल करोगे सत्तू के प्रोडक्ट में फिर तो हो लिया आपका काम। तो रॉ मटेरियल सोच समझ के प्लान बना ले कि कहाँ से खरीदोगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब हुई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मशीनरी प्लान बना ले क्योंकि मशीनरी से ही तो मैन्युफैक्चर होगा, बिना मशीनरी के पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसी भी तरीके से नहीं है। आप अगर ये सोचो कि शरबत घोल के पिला दोगे तो वो तो बहुत पुराना जमाना हो गया दोस्तों, क्योंकि मशीनरी फ्लेवर्स एड करती है, और फ्लेवर्स के बिना फ्लेवर्स के आप कुछ नहीं कर सकते। तो बात करते हैं, स्टाफ प्लान जरूर बनाएं, आपके पास कितनी ह्यूमन रिसोर्स होने वाली है, ह्यूमन असेट्स आपके जरूरी हैं, सर्विंग करने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले, बिलिंग करने वाले, सारी चीजें। पैकेजिंग प्लान जरूर बनाएं क्योंकि ये जो मटेरियल है लिक्विड है, और अगर इसको प्रॉपरली पैकेज नहीं किया गया, लीक हो गया या कुछ भी हो गया तो आपकी बिज्जती तो पक्की है, और अगर आप बिजनेस में आ रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता कि आप अपनी बिज्जती करवाने वाले हो। तो पैकेजिंग प्लान अच्छी तरीके से तैयार करें, जैसे कि मैंने आपको पिछले बार दिखाया है, ये देखिए बॉटल कितनी अच्छी तरीके से पैकेज प्लान है, और इसके अंदर भी एक पॉलिथीन टाइप चीज है जो इसको बाहर नहीं निकलने देती है। मार्केटिंग प्लान जरूर बनाएं, मैंने आपको बता दिया है। सेलिंग प्लान बनाएं, और सेल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग ब्रांडिंग प्लान बोला जा सकता है इसको एक तरीके से। एक्सपेंशन प्लान जरूर बनाएं, टाइप्स करें दूसरी कंपनीज के साथ और उसे आगे लेके जाएं। दोस्तों जो बेवरेज है ना वो जन्नत है, अगर देखा जाए तो कम क्वांटिटी लगती है, ज़्यादा पैसा मिलता है, तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कम होती है इसमें और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, तो ये बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस है। टू बी सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग इनटू द बेवरेज इंडस्ट्री, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन छह चीज़ों का ध्यान रखें, छोटे से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ते जाएं। सॉलिड फील्ड टीम रखें अपने पास, तो मार्केटिंग टीम है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, जो सर्विंग टीम है वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए, उनमें रोज एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। रिटेल एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए आपके पास,
क्या आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे ये बनाया है, तो इसको अगर मार्केट में बेचना है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कैसे होगा, कौन इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, किसको आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ये प्रोडक्ट दे सकते हो, कितने दिन ये प्रोडक्ट चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ऑल ओवर इंडिया हो गया या दिल्ली दिल्ली में हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कहीं और करना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचने वाली बात है। डिज़ाइन ग्रेट पैकेजिंग, विदाउट ग्रेट पैकेज यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस बिजनेस। तो देखिए कितने शानदार तरीके का पैकेज है, हालांकि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है इसमें, क्वांटिटी नहीं है, बट पैकेज देख के बंदा पसंद कर लेता है। एडवर्टाइज अच्छा करें और कोशिश करें एडवर्टाइजिंग के साथ साथ चेंज करते रहें। अभी देखिए मैंने आपको एक छोटा सा ड्रिंक दिखाया किस तरीके का यह फ्लेवर्ड है, उसमें कलरिंग किस अच्छी लग रही है और लोग ऐसे एम्बियंस के साथ, ऐसी कलरिंग के साथ इसे मना ही नहीं कर सकते दोस्तों। तो आप अपने बिजनेस को कुछ ऐसा बनाएं कि वो जान बन जाए, आपके प्रोडक्ट जो है ना वो जान बन जाए लोगों के लिए, और उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो शरीर में से, लोगों के कस्टमर्स के शरीर में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो आप बिजनेस के तौर पर सोचें उसको। एडवांस थिंग्स टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग, कोलैबोरेट कर लें, परफेक्ट आइडिया होना चाहिए, प्लान करें हर सारी चीज़ को। लॉजिस्टिक्स मैंने बोला था आपको, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और लॉजिस्टिक किस तरीके से वो एंड प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो ध्यान में रखने वाली बात है। सप्लाईज बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ज़्यादा हुई तो बेकार हो जाएंगी, कम हुई तो आपके लिए लॉसेस शुरू हो जाएंगे और आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर फिर आप पे चिल्लाना शुरू कर देगा। तो बैलेंस होना ज़रूरी है, अपनी क्वालिटी का प्रोटेक्ट करके रखें और एक्सपेंड करते हुए चलते चलें। अब मैं आपके लिए केस स्टडी लाया हूँ दोस्तों, और केस स्टडी में तीन प्रोडक्ट हैं और तीनों के तीनों शानदार हैं और तीनों के तीनों ने बहुत ही अच्छी मार्केट कैप्चर कर रखी है। पहला तो है दोस्तों फ्रेशका, दूसरा है यूज और तीसरा है पेपर बोट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं शुरू करता हूँ फ्रेशका के अलावा यूज से। यूज जो है एक बैंगलोर बेस्ड ब्रांड है और इनकी स्टोरी है योर बॉडी कम्युनिकेट विद यू ऑल द टाइम, यू जस्ट नीड टू लिसन इट। और लिसन करने के लिए इन्होंने डिटॉक्सिफाइंग चार तरीकों के लेमनेड बनाए, और लेमनेड भी कैसे हैं, मिंटी लेमनेड 40 रुपीस, टेंगी लेमन, एक्टिवेटेड चारकोल और बायो एक्टिव हर्ब्स जूस, और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इनका मिक्सचर बनाया। और देखिए अल्कलाइज बॉडी, बर्न स्ट्रेस, क्लिनाइज लीवर, मेंटेन बॉडी पीएच लेवल, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, फ्लशेस टॉक्सिन्स, रेडिएट्स स्किन, इम्प्रूव्स डाइजेशन। तो देखा जाए योज ने कितनी अच्छी तरीके से बेनिफिट्स भी बता दिए और गैलरी भी बना दी, और किस तरीके से ये प्रोडक्ट को आउटशाइन कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से, मुंबई बेस्ड कंपनी है और काफ़ी अच्छी तरीके से चला रहे हैं इसको। सिर्फ चार प्रोडक्ट और एक ही सेगमेंट, वो है लेमनेड। आइए बात करते हैं फ्रेशका के बारे में। फ्रेशका एक जूस मेकिंग कंपनी है और इंडियन कंपनी है। Industrial area of Sonipat in Haryana to meet Akhil Gupta, a man who comes from a family of entrepreneurs but chose to give wings to his own unique business idea. In the year 2000, Akhil established Sri Banke Bihari Foods with the aim of manufacturing welcome drinks for airlines. Today, the company is the proud owner of a brand called Fresca Juices, synonymous with fruity, delicious and refreshing beverages. तो देखा आपने फ्रेशका का, ये वीडियो कहीं से कहीं तक एडवर्टाइजमेंट ना माना जाए, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। The company along with a couple of my friends 5 years back. Paperboard is our flagship brand, doing extremely well. It's one of the fastest growing FMCG company brands in the country right now, and we are on the verge of something really big. So I was studying in the US, and if you are like, I think the thing which struck me the most was the facings of non-carbonated drinks in the chiller. When you are seeing a chiller in a store, you will find 140 facings of anything. And in India, a lot of them are carbonated. Worldwide, that's not the case. And I think that's the trend which we saw happening in every single country. You know, that new age beverages, the beverages which were not there 50 years back are coming into play and people are consuming it. So the idea was to come and bring more options to Indian consumers. I think that's what we're trying to do in the early stages. I mean, dabbled in a couple of other drink categories before we landed on paper. Yes, I think in some sense, like, we see ourselves as protector of these drinks, which were, you know, made by generations of evolution of drinks category. Like, you know, like 500 BC or something, somebody made a jamun drink for the first time. And then in every passing generation, mom handed over to her daughter, it handed over to the son to take. बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बनाया है और चलाया है, और इसके बारे में मैं क्या बोलूं आपको। तो दोस्तों अगर आप अपना खुद का बेवरेज ब्रांड यूज करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं और बिल्कुल इंतहा तरीके से उस पर मेहनत करके आप
भी करोड़ों और लाखों रुपए का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको सेटअप करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसे शुरू कर दें। आप सिर्फ उसके बारे में सोचें ना, उसे बिल्कुल एग्जीक्यूशन स्टेज पे ले जाके डाल दें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे मेल पे पूछ सकते हैं या फोन नंबर पे पूछ सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, जो सब्सक्राइब लाल जो बटन है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में एक बेल बटन होगा उसको भी जरूर दबाएं, ध्यान में जरूर रखें। लाइक करें मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, बहुत मेहनत लगा के वीडियोस बनाता हूँ, लाइक जरूर करें। एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और आपको द्वारा दिया गया ये प्यार मैं कैसे भूल सकता हूँ। शेयर जरूर करें मेरे